जाती हूँ मौसी के घर, मौसा जी की तबीयत दो तीन दिन से खराब है ना, तो सोचा कि जाके खबर पूछ लूं, उसको भी अच्छा लगे ना। उसमें काहे को खबर लेना का है, वो तो तबीयत 12 मास उसकी बीमारी रहती है। तो जाना नहीं पड़ेगा क्यों? आज हम नहीं जाएंगे तो कल हमारे घर कौन आएगा? ठीक है जाओ, और बाकी का काम थोड़ा बहुत बचाओ कर लेना। पानी की टंकी खाली हो गई है, वो हो जाएगा, पाइप लगा के पूरी टंकी भर लेना। और ये ना ये सब निकालो, घर के ऊपर से निकालो, वो हो जाएगा। मालूम है आज तुम नहीं कर सकोगे, आज तुम्हें नहीं मिली ना। क्या 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 शराब नहीं मिली ना? शराब के बिना तो सांसें भी नहीं चलती है इस आदमी की। बेवड़ा कहीं का बार बार ताने बोलती है मेरे को, तो ना बोलो तो। वो क्या 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 अमृत है क्या? उसके बिना सांसें नहीं चलती है। वो तो पहले से मेरे आदत हो गई है। आदत में पहले से नहीं है, ये दो तीन लफंगों है पाल रखे है ना, दो तीन उल्लू के पट्टे कहाँ से मिल गई है, उसकी संगत कर ली है ना जो तुमने, उसकी दोस्ती जो बना ली है ना, तब से बिगड़े हो। वरना मेरे बाप ने ऐसा नहीं ढूंढा था शराबी। मेरे रिश्तेदार आते हैं ना मेरे पहचान वाले, वो तेरे को अच्छे नहीं लगते, वो सही है। अच्छे है तो अच्छे लगेंगे, लेकिन ऐसे लुच्चे और लफंगे आएंगे कैसे अच्छे लगेंगे? जब देखो तब बैठे रहते हैं खंभा निकाल के। पियो पियो और पियो और थोड़ा सा पियो, फिर पूरे दिन लगे रहो। वो नहीं पिया इसलिए तो ये हो रहा है सर। हाँ इसलिए हो रहा है, मालूम है। पियो और पियो और दो तीन लफंगों को बिठाओ या ढेर लगा के खंभा खोल के बैठो, लेकिन जब मेरा दिमाग खिसक गया ना तब पानी पीने के लायक नहीं छोड़ दूंगी। देखो तू दारू के बगैर मेरे को मार देगी ऐसा लगता है। हाँ तो मर जाओ, पी के मर जाओ। मैं जा रही हूँ, मैंने जो काम दिया वो काम कर लेना। कब वापस आ रही है? मैं आऊंगी, काम निपटेगा तब आ जाऊंगी। हालत बिगड़ दी है। लगता है भाभी जी चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चल पूरा मौका मिल गया, बस चल आ जा। ओ राजू क्या है अब? क्या पूरा दिन खास रहा था, आज पूरा टेंशन में लग रहा है, क्या हुआ? अरे टेंशन में नहीं यार, क्या तकलीफ है इसको तो सब पता है। अरे इनको क्या, मुझे भी पता है क्या तकलीफ है तेरे को। पूरा कुछ दवाई लिया कि नहीं? पूरा बॉडी कांपता है यार, बहुत दवाई ली लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज मैं असल दवा लेकर आया हूँ तेरे लिए। ऐसी कौन सी दवा है? देख राजू आज तेरे लिए बोतल लेके आया हूँ, इससे तेरी खांसी चली जाएगी। पूछ इसे। इससे क्या खांसी जाएगी यार? अरे बता इसे तू। मेरा बाप की 20 एकड़ जमीन चली गई, तेरी खांसी नहीं जाएगी? तो खांसी चली जाएगी। खांसी चली जाएगी इससे? तो प्लास ले ले चल। ले ले। लगाते हैं दो। अरे तेरा करे तू। अरे ले ले बैठो बैठो। देख राजू की खांसी चली जाएगी। वो भी चला जाएगा। अभी ऐसा नहीं बोलने का, नहीं तो नहीं पिएगा। दो तीन साल पिएगा ना तो राजू भी भाभी जी भी चली जाएगी। ये लेकर नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। चलो चलो चलो। ना जाने शराब में क्या है यार, ये देख के मेरे शरीर में पूरा दम आ जाता है। वही तो बात है ना। हाँ, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी तेरे को, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। हाँ कुछ बाइटिंग है घर में? अरे बाइटिंग तो यार अपन के घर में ही होता है, तुम ग्लास में लगाओ। लगा ले लो, ले लो बाइटिंग ले लो। तेरे को पता है सर मैं तो बहुत कम पीता हूँ, लेकिन तू ज्यादा पीता है इसे। नहीं लगाया अभी? अरे यार तुम तो गजब के आदमी हो। देखो देखो कैसे कर रहा है, पुराना शराबी है ना। हाँ पुराना शराबी है, मेरे को बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं होगा, देखो तुम्हारी खांसी चली जाएगी इससे। खांसी क्या तुम बोलोगे कि नहीं मेरी खांसी चली गई? बस हो गया हो गया हो गया। ये कुरकुरे कुछ सिगरेट कैसा कुछ रखते हो घर में? नहीं ऐसा नहीं, सिगरेट तो धूम्रपान करना मना है। वो बात भी सही है, वो करना है। ले राजू चेस। 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 माल स्टैंडर्ड लेके आए हो तुम? रॉयल ब्लू है, बढ़िया है, रॉयल ब्लू अच्छा ही आता है।
आज इसकी खांसी चली जाएगी, देख लेना तुम। चली जाएगी ना खांसी तो तारी चली जाएगी ना, मेरी बीबी चली गई तेरी खांसी क्या करेगी। वो तो ये दारू के शराब के हिसाब से नहीं गई है, तू काम नहीं करता ना इसलिए। मेरी बीबी देख दिन रात मेरा पाँव पोछती है। वो दारू के वजह से नहीं गई है, वो झगड़ा करके चली गई। रोज पीता है, रोज पीता है, वो बोलता है कि दारू की वजह से नहीं गई है। अरे लेकिन गई है, दारू की वजह से ही चली गई है। अरे यार ये एक नंग तो क्या, मैं दस दस नंग एक हफ्ते में खलास कर देता हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता बीबियों को। आज खांसी चली जाएगी तेरी, देख लेना। बोल लगा डाल डाल बस बस थोड़ा ले लेना यार। अरे यार कुछ नहीं होगा, थोड़ा ले ले, देख ले आज क्या होता है। दे उसको, उसको ये पगला को दो। शुरू करो तुम, चलो चलो शुरू करो तुम। चले भगड़ी चलो। लगता है मेरे को भी लग गए, ढक्कन नहीं बंद हो रहा है। नहीं लग गया भैया, इसमें डालो। अरे यार मुझे तो पीने दो, मैं यहाँ बोतल ये से। अरे मैं तो पक्का शराबी हूँ, एक बार शराब में जम जाता हूँ दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता यार। ये भी पूरा पी गया। राजू को अभी लग गया, पूरा लग गया देख। ये नहीं बोलता है तो ये बोलती है बोतल। ऐसा कुछ नहीं हो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी पांच बोतल पी जाऊं तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। क्या खाना है बोल बोल, तेरी भाभी को अभी बोल दूं तेरे को क्या खाना है अभी। भाभी तो घर पे ही नहीं, तो अभी आए, अभी आएगी वो रसोई बना तेरे को खाना बना के खिलाएगी, बोल क्या खाना है आपको। पर पहले बुला तो सही उनको यहाँ पे, बाद में बोल के खा लो। बुलाता बोले दो घूट लगा ना देवर। अभी ये दो घूट लगाए तो क्या करेगा, अभी ये तीन पेक भी है सिर्फ। लेकिन तेरे जैसा घर में नहीं है मेरे घर में, तेरी तो बीबी ऐ निकल ए निकल ऐसे बोलती है तेरी बीबी। मेरे को मालूम है तेरी बीबी कैसी है ने? मेरी बीबी सही है, तेरी बीबी तो तेरे को छोड़ के चली गई, छोड़ के। और इसकी बीबी पूरे दिन इसकी पूरी बोलती बंद कर देती है, इसकी पूरी बोलती बंद कर देती है। मेरी बीबी मुझे कुछ बोलती नहीं है, मुंगी है। कभी 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 बुलाया घर पे, चलो राजू चलो घर पे प्रोग्राम करते हैं, बुलाया कभी। इसीलिए तेरे घर पे आते हैं प्रोग्राम करने। क्या यार तो अपने घर पे नहीं प्रोग्राम करते, अपनी अपनी ही बड़ी बात करता है, मेरा कुछ ध्यान ही नहीं रखता है। चल अब लगा लगा डरने का मत, पैसे चाहिए तो मेरे पास है बहुत, और दो नंग मंगवाना क्या है दो। पहले ये नंग तो खाली करो यार, डरना मत। थोड़ा 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 दो बोतल की बात कर रहा है अभी, एक बोतल में थोड़ा थोड़ा कर रहा है। अरे यार ऐसा नहीं, कुछ माप होता है हर चीज का। ले राजू ले और डालो, पूरा लगा दे यार पूरा। चल हो गया, बस इतना ही नहीं यार मेरे को हो गई है। अरे लो यार मजा आ रहा है यार, तू थोड़ा ही इसको और लगा दो इसको। देख देख इसको बुरा नशा चढ़ गया देख। ये मेरा घर है, तेरे मेरी बीबी आ जाएगी ना तो क्या बोलेगी वो अभी। अब बोलेगी तब पता चलेगा, अभी वो कुछ नहीं बोलेगी, अब हम बोलेंगे। क्या बोलेगा तू, तेरा घर पे तेरा नहीं चलता है तो मेरी बीबी के पास क्या चलेगा। वो दिखने में सही है लेकिन वो एक बार बोलेगी ना तो पूरा रोड पकड़ेगा। तू ऐसी बात मत कर तू राजू। बढ़िया लेके आया हो लेकिन मजा आ रहा है, सब कुछ जाने दो। एकदम बढ़िया माल है, बढ़िया बढ़िया यार। क्या हो
भाभी जी आ गई। क्या ये देख नहीं रही है तू हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है तेरे को? ये सब अच्छा नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। अरे निकल निकल, ये हम लोग पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में। तुम लोगों को कुछ समझ है कि नहीं? दूसरों के घर पे जाते जाके ऐसा नाटक करते हो, देख पूरा लड़ खड़ाता है। ए, मत बोलो मेरे दोस्त को, मत ऐसा मत बोल। लग तेरे बेबी को समझा दे, तो मत बोल। देखो ना, मत बोल मेरे मेरे फ्रेंड को। मैं पहले बोला था ना बीवी आ जाएगी। रुक दिया ना, भाभी जी मना किया था। क्या मना किया था? तुम लोगों को कुछ लाज शर्म है कि नहीं? बे रोज में आके इधर मखड़ा खड़ा करवाते हो मेरे घर में। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी जात का फिर निकलो 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 जाते हैं भाभी। जिंदगी बिगड़ गई बेवड़े के साथ, कुछ पता नहीं चलता किसको बोलूंगी। बाप को भी नहीं बोल सकती वरना वो चिंता करेगा मेरी। ससुर को किसी को नहीं बोल सकूंगी वरना वो लोग चिंता करेंगे। इसको बोलते तो पूरा दिन चिल्लाता रहते, अड़ोस पड़ोस में इज्जत खराब हो गई है। एक आइडिया है, मेरी सहेली को बुलाते हूँ, कृष्णा को, उसको ही पूछते हो क्या करूं। सुख दुख के साथी तो मेरी वही है। हेलो हेलो कृष्णा, विजू बोल रही हूँ। हाँ बोलना। क्या कर रही है अभी? अभी घर पे हूँ। तो घर पे आना, थोड़ा काम है तेरे लिए, तेरा ही काम है, अर्जेंट काम है, आ जाना यार। अर्जेंट? मेरी सहेली ने इतना काम नहीं करेगी, जल्दी आना फटाफटा। वो बेवड़ा कहीं बाहर गया है, उतने में एक बात थे। ओके ओके चला। एक बात बतानी है। हाँ। अभी तक ये लड़की आई नहीं, कभी टाइम पे आती ही नहीं है, क्या करूँ इसका। अर्जेंट अर्जेंट बोल रही थी फोन पे, बोल क्या काम है। आ जा, काम तो तेरे एक खास काम है। क्या? लेकिन थोड़ा डरती हूँ यार तुझसे, तेरी आदत जो ऐसी है ना। अभी मेरे पास आके तू सब बात जान लेती है, फिर जाके पूरी सोसाइटी में सब औरतों को बताती है, वो सब मेरे मजाक उड़ाती है। ऐसा मत करना यार, तुझे अपनी समझ तो मेरे को मत बता, तुझे ऐसा लगता है ना। तो इधर देखना, तुझे अपनी समझती हूँ ना, इसीलिए तुझे बताती हूँ। देख रहे बेवड़ा रोज रोज का नया नया नाटक लेके खड़ा हो जाता है, पूरा दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करता है इधर घर में। घर में वो कमीने दो लोग आते हैं ना, वो झाड़िया मोटा, देखा था कल मैंने, देखा था उसको। मैं मौसी के घर गई थी, पीछे से वो लोग आए और पूरा दो तीन नंग बोतल निकाल के पूरा घर में वॉमिट कर दिया, कचरा डाल दिया। और वो राजू कितना बड़ी बड़ी गाली बोलती, क्यों नहीं क्या बोलू मैं, किसको बताऊ, किसी को बता भी नहीं सकते, घर के इधर चली जाएगी ना। अभी मेरी बात सुन, मेरे पास एक आईडिया है, वो तुझे आजमाना पड़ेगा तो होगा। अरे यार ये बेवड़ा सुधर जाएगा तो सूल्हे पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, बोल अब बोल। अभी मैं क्या बोलती, वो हो जाएगा अच्छा, पर तुझे करना पड़ेगा। तू साथ में रहेगी तो कर पाऊंगी वरना मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, चल इस बात में मैं तेरा साथ दूंगी। वो अभी आता ही होगा, गांव में गया है ना, कहीं बाजार में गया है, आता ही होगा। तो चल अपना काम चालू कर दे।
ध्यान रखना हाँ, उसको तू बैग, तू बैग में सब लेके आती हूँ। देख ये, देख ये लेके आते हैं, क्या करूँ, कल तो मैंने उसको भगा दिया ना तो इतना बच गया। अब देख पहले है ना, वो आएगा लिपटेगा, झोरा जबरी करेगा मेरे से, झगड़ा तो करेगा ही, आसानी से तो मानेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर छिड़क लेते, उसको भी पता आते वक्त ही ऐसा करता है। हाँ, उसको पता तो चले ना, हम पी तो सकते नहीं। बेटा बेटा कृष्णा, अच्छा हुआ तो मिल गई, और ना हालत खराब हो गई थी। आ रहा अच्छा हुआ कृष्णा तो मिल गई। क्या है ये सब, अब मेरा सब टेंशन चला गया, अब तो मजा आ गया। अब पता चला लोग क्यों पीते, टेंशन लेने के लिए नहीं, देने के लिए। आज से मैं टेंशन उस बेवड़ो को दे दूंगी। ले उठा, चौथा पैक। वो क्या बोलते हो, बाइटिंग नहीं है इधर क्या राजा? क्या है ये सब, बाइटिंग लेके मेरा मुंह क्या देखते है? जा बाइटिंग लेके सब कुछ ले आना, शराबी की बेबी से। सीधा हो रहा। उसकी तो नानी याद आ जाएगी, कितना डर लगेगा। ये कब से चालू कर दिया है? अब तू बंद कर दे, मैंने चालू कर दिया है। तूने रोज रोज ड्रामा किया, मैं सोचती थी शराब में ऐसा किया है, नहीं नहीं पीता है, लेकिन जो है वो शराब में ही आज पता चला। अब तो शराब के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे यार तू शराब छोड़ दो यार, मैं बोलता हूँ शराब अब छोड़ूंगी नहीं। क्या करूँ, मैं फंस गया है भगवान। और डाल मेरा मदद, नहीं मेरे को कम पड़ेगा, इसको नहीं देना है। ये डाल, डाल इसमें डाल। ये क्या कर रही है तू, गांव में पता चल जाएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी यार। अच्छा तेरी इज्जत चली जाएगी, जब तू डेली रोज रोज इधर पी के बड़ा बखेड़ा खड़ा करता था तब इज्जत कहाँ गई थी? मर्द पिए तो इज्जत, मर्द पिए तो अच्छा, और औरतें पिए तो इज्जत चली जाती है। क्यों, मर्द में और औरत में इतना फर्क तुम लोग करने वाला कौन हो? तुम लोगों को ये अधिकार किसने दिया? अरे यार तू ये सब छोड़ दे, मेरी बेइज्जती कर देगी। अब तो तुझे छोड़ दूंगी लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी। डाल इसमें डाल, इसके साथ बात मत कर और तू पीना चालू रख। अब तो पीऊंगी और दिल खोल के जीऊंगी। ये सब छोड़ दे दारू पीना, थोड़ा खा और बाद में पी, लगातार बड़ा मजा आ रहा है। मैं तेरे को बोला था ना पहले, मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो सोचती हूँ लोग पानी क्यों पीते हैं, ऐसा फीका फीका पानी पीना इतना चाहिए, सब लोगों को पानी मानी छोड़ के शराब ही पीनी चाहिए। कल से मैं मटके में शराब भर दूंगी, ऐसा ही करना, मटके में शराब, फ्रिज में जो पानी की बोतलें रखती हूँ उसमें भी शराब, और जो बर्फ की डिशे लगा दे ना फ्रिज में पूरे घर में वो उसमें भी शराब, मैं शराब का बर्फ बनाऊंगी, शराब इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े डालूंगी। अरे यार मत भी यार, कितना हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा, समझ करना, चले जाओ, हमारा घर बर्बाद करने के लिए आए, चले जाओ। क्यों, वो कभी नहीं आते थे, वो घर को कौन सा आबाद कर रहे थे? तुम्हारे साथ वो कमीने आते हैं ये घर, वो कौन सा घर आबाद करने आते हैं? तो मेरी सहेली घर बर्बाद करेगी क्या? नहीं अब नहीं पीऊंगा यार, तुमने मत पियो, गांव में बता दो, खाली बोलता है फिर कल फिर से खंभा लेके बैठ जाएगा। नहीं पीऊंगा दारू, नहीं पीऊंगा यार, इधर आ, इधर इधर बैठा, उधर इधर आजा, तू दारू मत पी यार, दारू पिएगी तो मेरी गांव में इज्जत चली जाएगी। मैं क्या बोलता हूँ, दारू नहीं मेरा बस चले ना तो अब तेरा खून भी पी जाऊं, मैं तेरे से इतनी परेशान हो गई हूँ कि तेरी परेशानी में डाल दे, डाल मत कर। अब नहीं पीना यार,
क्यों? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। क्यों तो मैं दारू नहीं पीऊंगा बस। पकड़ पक्का पक्का कान पकड़ कान पकड़ता हूँ कान पकड़ तेरी कसम खा नाक रगड़ तेरी कसम इधर नाक रगड़ नाक रगड़ है कि नाक रगड़ नाक रगड़ता हूँ हाथ बड़ा सब पकड़नी पड़ेगी कि आज से मैं शराब पीऊं तो मैं तेरा कुत्ता। लेकिन तू कभी पिएगी नहीं? नहीं मैं तो नहीं पीऊंगी। तो बेटी को तो सुधारना है तो शपथ भी लेना पड़ता है। शपथ ले आज से ये शपथ लेता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। पिएगा तो ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। फिर ये घर छोड़ के जाएगा वो शपथ दूसरी ले। क्या शपथ? आज के बाद शराब पीऊंगा तो मैं तेरा कुत्ता। अरे यार आज के बाद मैं शराब पीऊंगा तो मैं तेरा कुत्ता बन के रहूंगा और क्या है बोल। अरे लगा डाल और शपथ ले। अरे तेरे को दारू चढ़ गया यार शराब चढ़ गया है। नहीं चढ़ी है अभी शपथ लेनी बाकी है। जैसे तेरे साथ शादी की सात फेरों में मैंने शपथ ली थी तो तुझे भी शराब छोड़ मेरा मैका छोड़ के तेरे साथ आने में मुझे शपथ दिलवाई थी। सुख दुख में तेरा साथ दूंगी तू कहेगा वैसा करूंगी तुझे पति मानूंगी परमेश्वर मानूंगी तेरी पूजा करूंगी तेरे बच्चों को जन्म दूंगी हो तेरे परिवार को बड़ा करूंगी तेरे माँ बाप का ख्याल रखूंगा। तू ऐसा बोला था मुझे कि तेरा माँ बाप का ख्याल रखूंगा तूने रखा अब रखूंगा बस। मैंने भी शपथ ली थी मैंने सब निभाई अब आखिरी शपथ लेनी है। आज के बाद दारू पीऊ तो मेरी नानी मरे बस। आज के बाद दारू पीऊ तो मेरी नानी मरे यार। शपथ हो गई लेकिन अब दारू नहीं पीने का हो कभी। और तू दारू लेके मत आना मेरे घर। हम लोगों ने पिया ही नहीं तो क्या है ये सब? ये तो पानी है। आई ना अकल ठिकाने। ये ड्रामा था? ड्रामा ही था तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए ड्रामा था। अरे यार कैसी कैसी कसमें लगा दी मेरे को। लगानी पड़ती है तेरे को सुधारने के लिए। तुम ऐसे थे नहीं लेकिन कुछ समय में तुमने तीन चार आदमी ऐसे लफंगों के साथ ले लिया और उसकी बातों में आके तुम बिगड़ गए। अपना खानदान देखो अपना माँ बाप देखो अपना घर परिवार देखो हमारे परिवार में ऐसी आदत किसी की है? वो सही बात है लेकिन और तुम्हें क्या लगा था मैं शराब पीऊं? मैं भारत की आर्य नारी हूँ मैं एक अच्छे खानदान की बेटी हूँ अच्छे खानदान की बीवी हूँ। मैं मरना पसंद करूँगी शराब पीना पसंद नहीं करूँगी लेकिन तेरी तुम्हारी अक्ल ठिकाने लाने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ा। लेकिन मेरे को सही समझ आ गई हो? आ गई ना। आ गई आ गई। शराब पीने से घर बिगड़ जाता है पूरा माहौल बिगड़ जाता है। अरे बर्बाद हो जाते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे तो क्या अड़ोस पड़ोस में जो बूढ़े रहते वो भी बिगड़ जाते हैं। अभी वो वापस आने वाले हैं। अब मेरी बात मानो अब आएगा ना अब हम देख लेंगे। टाइम तो आने का टाइम आ गया। ऐसे ही रखो आते ही होंगे ऐसे ही रखो अभी आएंगे अभी ऐसे ही रखो आ जा। क्या राजू आये आये देखो देख मेरे दोस्त बदला और हिरन आ गया। आ गए? आ गए। पानी लेके आऊं ना? हाँ जो चाहे वो लेके आ। भाभी जी घर से ये तो ठंडा लेके आए मेरी अब तो बिगड़ने के लिए अबे चल मार 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 उसको चल भाभी चल।